नमस्कार, बी हैप्पी कीप हैप्पी, खुश रहें खुश रखें। आइए आज हम विजयादशमी पर्व आने वाला है और हम सब खुशी खुशी रावण का दहन करेंगे। आइए आज हमें आपको आपके अंदर के रावण और आपके अंदर के राम से परिचय कराता हूं। रावण को जलाने की जो प्रक्रिया चल रही है सालों से, अधिकांश पेरेंट्स लोग अपने बच्चों को लेके जाते हैं दिखाने के लिए और दे एंजॉय द फायर एंड ऑल, पर लेकिन ये परंपरा क्यों शुरू हुई, इसके पीछे ध्येय क्या था, संक्षिप्त में आपको बोलूंगा कि आपके अंदर की बुराइयां, आपके अंदर के रावण का दहन करना है। कैसे करें? सर्वप्रथम रावण तो जला दी बुराइयों का पत्ता, आपने दो मिनट में जला के पुतला खाक कर दिया, हम अपने अपने घर आ गए, एक टाइम निकल गया। व्हाट वी लर्न, वह मैं आपके दो मिनट लूंगा कि जब भी आप रावण देखकर आए तो सामान्यतः किसी का दाह संस्कार करते हैं तो आप नहाते हैं, तो यहां पर स्नान ना करें, अपने पूजा कक्ष में आकर दो मिनट बैठ जरूर जाएं और आंखें बंद करके अपने यहां पर तीन थर्ड आईज पर अपना ध्यान रखें और याद करें बचपन से लेकर अभी तक के पलों को, कहां कहां राम था, कहां कहां रावण था। ये आपका उत्तर आपको स्वतः मिलते रहेगा। प्रभु के द्वारे तेरा आना ही बहुत है, बोले न तू बोल पछताना ही बहुत है, जो है विपदा सुनानी तेरी आत्मा ही जाने परमात्मा ही जाने। तो आपके अंदर का राम और अंदर के रावण का चिंतन, रावण के दहन करने के बाद या रात्रि में कुछ पल आंखें बंद करके बैठने के बाद चिंतन करें और जब पूरा हो, जब राम भी जगे, पता लगा राम का भी काम क्या, धन्यवाद भगवान को दे, और जब रावण तत्व भी उठाता आपका कभी कोई भी काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या किसी विकार के रूप में, उन पलों को भी रावण की अग्नि जो देख कर आया उस पर ध्यान करें और अपनी तीस थर्ड आइस पर अपना ध्यान रखते हुए 11 बार मुख से सांस छोड़ेंगे, जैसे कि आंखें बंद। मेरा पूरा विश्वास है जो आपका इस पल तक आपसे जाने अनजाने जो भी भूल हुई हो वो सब मुक्त होंगे, आप मुक्त होंगे उससे और आपका जीवन एक सुखमय, आरोग्यमय, राममय होगा। यही शुभकामनाओं के साथ विजयादशमी पर की शुभकामनाएं। विजयादशमी अपने दसों काम, पांच इंद्रियां और पांच इन पर विजय पाना विजयादशमी पर्व है। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग फैमिली की तरफ से, जो सदा आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं कि आप खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। अगर आप चाहते हैं कि डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का कोर्स क्या है तो एक नीचे लिंक डाली है, आप उसको ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है। मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने का नहीं बोलूंगा, घंटी का आइकॉन बजाने का नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ कहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कुछ नया सीखना, अपने ग्रहों को अपने वश में करना सीखना, क्योंकि यह काम रावण ने किया था, एक बस एक मात्र रावण थे जिन्होंने 9 ग्रहों को अपने वश में कर लिया था। अगर आप भी चाहते हैं अपने ग्रहों को अपने वश में करना, वश में तो नहीं, विषम समय हमें कम तकलीफ दे, जिसके लिए हम ज्योतिषों के पास जाके अलग अलग उपाय लेते हैं, वो प्लीज ज्वाइन माय डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग सेशन ऑन द कमिंग डेज व्हिच इज द मेंशन। खुश रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, आरोग्य रहें। मैं कृष्णा मिश्रा पुनः आपको विजयादशमी पर्व की शुभकामना देता हूं।